अरे हम सफर में, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी सफर करते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। जैसे आप सभी लोग ले लेते होंगे, मूंगफली है, बेर है, अमरूद है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, पॉपकॉर्न है, सभी चीज खाने की है। जब हम वो चीज खाते रहते हैं, अचानक से जब दुर्घटना होती है, वो चीज सीधी हमारे गले के अंदर चौकिंग कर देती है, फंस जाती है, उसके कारण भी अचानक से बेहोश हो जाता है। दूसरी बात, हमारा जो मुंह है ये किसी भी लोहे की चीज के साथ जाके टकराएगा। हम बस के अंदर सीट पे बैठे हैं तो अगली सीट के आगे आप देखते हैं कि पाइप है लोहे के, है ना, एंगल है, तो उस पे हमारा मुंह टकराएगा तो क्या होगा, जाड़ दांत टूट के भी गले में फंस जाएंगे। तीसरी बात, नकली जाड़ दांत चटवा लेते हैं कई आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर चटवा लेते हैं, वो चीज भी गले में फंस सकती है। कई बार कोई भी चीज नहीं खा रहे थे, नहीं टूटी थी, लेकिन जो हमारा मुंह है ये घबराहट के कारण, हमारी जो जीभ है इसके अंदर, वो जीभ उलट जाती है, उलटने के बाद आपके गले के ऊपर टिक जाएगी और एक वाल्व का काम करेगी, जिससे सांस अंदर से बाहर आ जाएगा लेकिन बाहर से अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। उस देर के लिए बेहोश रहेगा, उसके बाद डेड हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, किसी के घर में कोई जवान मौत हो जाती है तो आप देखते हैं अक्सर वहां 3-4 लेडीज बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, मरे ब्रेन ज्यादा काम कर रहा था उनका, कर रहा था ना, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो अचानक से उनकी चीख उलट जाती है, उलटने के तुरंत बाद वो जमीन पे गिर जाती है, क्योंकि सांस में रुकावट आ गई, ब्रेन काम करना फिर बंद कर देगा, बंद करते ही उसकी जाड़ी बंद हो जाती है, देसी भाषा में बोलते हैं जाड़ी बंद हो गई उसकी। फिर दूसरी लेडीज वहां पे बहुत बड़ी गलती करती है, क्या गलती करती है, उसको पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं। जो आदमी अनकॉन्शियस अवस्था में है उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना जब तक होश में नहीं आ जाए, क्योंकि हमारी फूड पाइप और श्वास पाइप दोनों साथ साथ होती हैं। गलती से पानी श्वास पाइप के अंदर चला गया तो आदमी की मौत हो सकती है, क्योंकि वो सारे की सारा हमारे फेफड़ों की तरफ जाएगा और फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना, गुब्बारे की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार जब तक वो होश में नहीं आ जाता, जब तक खाने पीने के लिए कोई भी चीज नहीं देनी है आपने। एक लड़का यहां पे लेट जाओ, एक बार कोई भी एक लड़का आ जाए, हंसने की बात नहीं है, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, अगर ये डेमो आप रियल में करके देखेंगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा होगा पीछे से ये लड़का, ये आगे जो चेहरे खाली हैं इन पे आ जाओ, पीछे उठ के जिनको नहीं दिखाई दे रहा, कई बार जब आप अपने कॉलेज से बाहर जाते हैं घर की तरफ या कहीं और घूमने के लिए, तो कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आपको सड़क के किनारे दिखाई देता, पैर सीधे कर लेते दोनों ऐसे, हाथ सीधे, ऐसे रोड के किनारे पे गिरा हुआ दिखता है कोई भी आदमी, तो आप लोग क्या अनुमान लगाते हैं, बेहोश हो गया। बोलना नहीं है किसी ने भी, क्या अनुमान लगाते हैं, आदमी तो आज भगत से शराब पिए पड़ा है, दया नहीं करते कोई भी, अब शराब के नशे में रोड के किनारे पर पड़ा है, यही अनुमान लगाते हैं ना। कोई भी आदमी ये नहीं देखता कि आदमी साइकिल से जा रहा था और पीछे से कार ने टक्कर मारी, साइकिल खेतों में चली गई और आदमी रोड के किनारे में गिरा हुआ है। दूसरी बात, उसकी पहचान करना जरूरी है, आदमी जिंदा आया मर चुका है, क्या पहचान करेंगे, कैसे पहचानेंगे आप, सर उसकी सांस चेक करके है। उसको हम 3 तरीके से देखते हैं, LLF, look listen feel, look मारे देखना, आप वहां पे बैठे हुए हैं कैसे देख के बताएंगे आदमी जिंदा है या मर चुका है, मुंह उसके मूवमेंट से, क्या मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, फिर आप सांस चेक करेंगे, सांस रोक रहा है अरे आदमी जिंदा है मर चुका है, हम उसको दूर से देखते हैं, लुक माने देखना कि उसका पेट ऊपर नीचे हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, यही अनुमान लगाते हैं। दूसरी बात,
लिसन, आंखों से आपको क्लियर नहीं हुआ, जैसे ये लड़का है चश्मा लगा रखा है इन्होंने, इनकी दूर की आंख वीक है, चश्मा करके भूल गया, नहीं क्लियर हुआ, हंसने की जरूरत तो नहीं है इसमें, उदाहरण बता रहा हूं, बगैर उदाहरण के किसी को भी समझ में नहीं आएगा। नहीं क्लियर हुआ, आपको मच्छर का पता था, लिसन लिसन माने सुनना, आपका कान इसके नाक के पास में ले जाएंगे, अगर इसकी सांसें चालू है तो सूसू की आवाज सुनाई देगी, कान से भी बहरे हैं, नहीं सुनाई दिया। तीसरा है फील, फील माने महसूस करना, ये तीन उंगलियां इसके नाक के पास ले जाएंगे उल्टी साइड से, अगर इसकी सांस चलती है तो त्वचा यहां से गर्म हो जाएगी, इससे भी आइडिया लग जाएगा कि आदमी जिंदा है। लेकिन आजकल फर्स्ट एड के अंदर एक नया मेथड आ गया है कि इसके अंदर आपने सबसे पहले हाथ लगाने से पहले पांच चीजों का ध्यान करना पड़ेगा, DRSAB, ठीक है, डी फॉर डेंजर, किसके आसपास में कोई खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है, कोरोना, करंट लग सकता है, आपके कॉलेज के अंदर की दुर्घटना बता रहा हूं मैं, ये रोड पे भी खेत में भी कहीं भी हो सकती है, बिजली की वायर लगी, करंट लग गया इसको और अचानक से आदमी बेहोशी की अवस्था में चला गया, आप जाकर इसकी नाड़ी देखने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमको भी करंट लग जाएगा, आप भी जाएंगे, तो डी फॉर डेंजर, खेत के अंदर ये काम कर रहा था, तेरे लिए सांप ने काट लिया, सांप वहीं पे बैठा हुआ है, वो अचानक से आप जाएंगे आपको भी काट सकता है, पागल कुत्ता भी हो सकता है उसके आसपास में, किसी रोड पे आप काम कर रहे हैं, आपने देखा दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी तो आप उसको वहीं पे CPR देने लग गए, पीछे से दूसरी गाड़ी ने आपको भी टक्कर मार दी, तो हमें घायल व्यक्ति को कई जगह दूर ले जाना पड़ेगा, कई जगह कारण को दूर कर सकते हैं, कई जगह कारण को दूर नहीं कर सकते, हम रोगी को दूर कर सकते हैं, अचानक दुर्घटना के अंदर किसी बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो बाइक को उठा सकते हैं, लेकिन अचानक दुर्घटना के अंदर बस का एक्सीडेंट हो गया तो आप बस को नहीं हटा सकते, वहां पे हमें कैजुअलिटी को बाहर निकालना पड़ेगा, तो डी फॉर डेंजर, ठीक है, आर से रिस्पॉन्स, कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या रिस्पॉन्स देगा वो, आपने उससे पूछना है, इसके चारों साइड घूम के आपने देख लिया कोई खतरा तो नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर आपने उससे रिस्पॉन्स लिया कि भाई साहब क्या नाम आपका, कहां से आ रहे थे, कहां जाना था आपने, क्या दिक्कत होगी, इस प्रकार के हम उससे सवाल करेंगे, अगर वो नहीं बोल रहा फिर भी तो हम उसको दड़दड़ाएंगे, आपने यहां से ऐसे करना है कि खड़ा हो, जैसे आदमी गहरी नींद में चला जाता है, इसी प्रकार चोट लगने के बाद आदमी कोमा में चला जाता है, तो हम उससे रिस्पॉन्स लेंगे, नहीं रिस्पॉन्स दे रहा तो फिर उसके बाद एस से सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब क्या है कि पहले अपनी सेफ्टी उसके बाद अगले आदमी की सेफ्टी, कि अचानक दुर्घटना के अंदर हमें कहीं पे देखना है कि कोई कांच तो नहीं पड़ा हुआ है या कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, हमारे हाथों के अंदर ग्लव्स है या नहीं है, ग्लव्स मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो हम पोलोथीन भी ले सकते हैं या कोई कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए से एयरवे ओपन, यानी कि सांस आने जाने का रास्ता खुला हुआ है या नहीं, सांस कहां से लेते हैं हम, मुंह से और नाक से, नाक से और मुंह से, मेन पॉइंट है गला, अगर गले के अंदर चोकिंग होगी तो सांस नहीं आएगा, तो सबसे पहले हमें बेहोश व्यक्ति का मुंह खोल के देख लेना चाहिए कि मुंह के अंदर क्या चोकिंग है, अचानक से आजकल क्या है किसी भी थिएटर के अंदर, मॉल के अंदर या हम कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आपको सुनाई देता कई बार कि वो आदमी ऐसे चल रहा था चलते चलते रोड पे गिरा और गिरते उसकी डेथ होगी, क्या होता है वो, हार्ट फेल होता है, कि ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, ब्लड गांठा होने की वजह से नसों के अंदर रुकावट हो जाती है, हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट सूखा चलेगा, सूखा चलेगा तो क्या होगा, इंजरी होगा, तो इसी प्रकार हम बार बार जवान बच्चों को जवान व्यक्तियों को यही बात बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करते रहो, क्योंकि खाने में जहर की मिलावट ज्यादा हो चुकी है, कोई भी चीज हम खा रहे हैं कोई भी चीज प्योर नहीं है, सभी के अंदर मिलावट है,
चाहे आपने आपने अपने घर के अंदर भैंस बांध रखी है, भैंस के घी को लैब के अंदर चेक करा लेना, उसके अंदर 40% मिलावट दिखाएगी मशीन, क्योंकि खेतों में जो चारा खा रही है उसके अंदर क्या है, यूरिया, दवाइयां, मिलावटी है ना सुधी। तो इस प्रकार से हमने उसके मुंह को खोलना है। मुंह खोलने का तरीका कौन बताएगा आप में से? साइड से नाक और ठोड़ी को पकड़ के नहीं खुलेगा। जिस व्यक्ति की जाड़ी बंद हो जाती है तो उसके कई बार क्या गलती करते हैं, वो मैं बात कर रहा था लेडीज की, तो वो चम्मच फंसा के शुरू कर देती है, स्केल की चम्मच लेती है, वो भी गलत है, उससे दांत टूट सकता है। कई बार उसके नाक को दबा देते हैं, नहीं दबाना चाहिए। आपने ठीक उसके बैक साइड में बैठना है, बैक साइड में बैठ के और उसके ठोड़ी के नीचे चारों उंगलियां लगानी है, ठोड़ी के ऊपर अंगूठा, और यहाँ से उसके मुंह को तुरंत खोल देंगे, मुंह खुल जाएगा। अगर फिर भी उसका मुंह ऐसे हिल रहा है तो अपना घुटना इसके सिर के ऊपर रख लो, फिर तुरंत उसका मुंह खुल जाएगा। मुंह खुलते ही तुरंत आपने उसके साइड में आ जाना है। साइड में आके हम ऐसे मुंह को खोलेंगे, चारों जो उंगलियां हैं ये ठोड़ी के ऊपर रख के यहाँ गर्दन के पास चली जाएंगे। बी से ब्रीथिंग, ब्रीथिंग माने सांस लेना, सांस नाड़ी, नाड़ी चलेगी तभी तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ हमारी गर्दन के अंदर होती है कैरोटिड पल्स, यहाँ लगा के देखो एक बार सभी, दोनों साइड में है ऐसे, मतलब आना बंद हो जाएगी ऐसे। चेक करने का तरीका मैंने बताया आपको, ऐसे ऐसे नहीं करते कभी भी। इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स, ठीक है। वैसे हम नाड़ी हाथ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अचानक दुर्घटना के अंदर अगर दुर्घटना हुए 15 से 20 मिनट हो गए तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, यानी कि स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो उसमें चला जाएगा, तो हाथ की नाड़ी आपको बंद मिलेगी। कौन सी हाथ में नाड़ी होती है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट वाले हाथ में करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। राइट वाला के लेफ्ट वाला आएगा कि नहीं? अब राइट वाले हाथ में करना, ये राइट वाले भी इसका मतलब है ना नाड़ी दोनों। हाँ, अरे लेफ्ट राइट नहीं बोलना आपने, आपने बोलना है कि हमारे दोनों हाथों के अंदर नाड़ी है, होती किस साइड में, हाथ में नाड़ी राइट है, इधर में, बीच में, किधर में? बीच में। बहुत ही आसान पहचान बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रहेगी। दोनों हाथों के अंदर अंगूठा है, ठीक अंगूठे के नीचे आ जाओ, दोनों हाथों के अंदर अंगूठा है, अंगूठे के नीचे आ जाओ। अंगूठे के नीचे जब भी आप नाड़ी चेक करते हैं तो पहली और तीसरी उंगली दबाव डालेगी, बीच वाली फील करेगी। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। कई व्यक्ति क्या करते हैं, अंगूठा रख के देखते हैं, अंगूठे से नहीं फील होगी, पहली और तीसरी उंगली दबाव डालेगी, बीच वाली फील करेगी। तो हमने देखा उसकी सांसें नहीं चल रही है, कैरोटिड पल्स थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो इसका मतलब आप समझ लेना है फर्स्ट एडर का रोल अदा करते हैं तो आप उसको जिंदा कर सकते हैं। कैसे? हमने उसको सीपीआर देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को लाइफ के अंदर कोई भी हार्ट अटैक का मरीज मिल जाए या कोई अचानक दुर्घटना के अंदर सांस में रुकावट मिल जाए, उसको तुरंत सीपीआर देना है। अगर इसकी सांसें चल रही हैं तो आपने इसको सीपीआर देने की जरूरत नहीं है, इसको रिकवरी पोजिशन के अंदर डाल देंगे। सांस चल रही है तो, नहीं चल रही तो सीपीआर देना है, ठीक है। रिकवरी पोजिशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये हाथ में पट्टी थी मोड़ ले, ये वाला हाथ यहाँ कान के नीचे ऐसे लगा ले और ये पैर घुटने तक मोड़ ले, ठीक है, और इसको हम धीरे से ऐसे लेटा देंगे, इस पैर को जिला, ठीक है, यहाँ से इसके मोड़ को थोड़ा ऐसे, ये है रिकवरी पोजिशन। हंसने की बात नहीं है, बहुत ही जगह काम आती है। आपके प्यास आदमी में कोई भी ज्यादा शराब पी ले, रोड के बराबर में गिरा मिले तो उसको ऐसे डाल देना, अपने आप उतर जाएगी, अपने आप उतर जाएगी, नहीं उल्टी करेगा तो आदमी की मौत नहीं होगी। कोई पॉइजन खा लेता है तो उसको ऐसे डाल देना, उल्टी करेगा नीचे की तरफ गिरती रहेगी। तकरीबन मौतें होती है सांस में रुकावट आने के कारण, लेकिन हम अंदाजा लगा लेते ज्यादा शराब पी रखी थी इसलिए आदमी मर गया। मरने का कारण नहीं पता होता, सीधा लेटा रहेगा, उसका शरीर काम नहीं करता, उल्टी करेगा, सांस लेने के अंदर वापस चली जाएगी, आदमी की मौत होगी, क्या होगा?
अगर ऐसे लेटा हुआ है तो नीचे की तरफ क्लियर होता रहे, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए जरूरी को ना रोड पे हो, रोड से नीचे खेतों में भी गिर गया मर सकता आदमी, क्योंकि कीचड़ गार मिट्टी कुछ भी जा सकता उसके मुंह के अंदर। आज कल शाम का हादसा हुआ है, 6 आदमी डूबे थे कल नहर के अंदर, रोड के पास नहर है, 3 बच गए, 3 में से एक डेड बॉडी मिली है, 2 अभी लापता थे सुबह। और कल मैं शाम को जा रहा था, मैंने जब भी अंदाजा लगा लिया था, मैं कहा हादसा होगा, क्योंकि वो शराब पी रखी थी और नहर के अंदर कुछ विसर्जन कर रहे थे और वो नहा रहे थे, उसमें नशे के अंदर आदमी का शरीर आधा काम करना बंद कर देता है। आया समझ में? ये है रिकवरी पोजीशन। दूसरा हम बात कर रहे थे सीपीआर का, सीपीआर, सीपीआर का मतलब क्या है? सी से कंप्रेस, कार्डियो, पी से कार्डियो, पल्स नहीं होती, पल्मोनरी, आर से रिसुसिटेशन, यानी कि हृदय और फेफड़ों को दोबारा से चालू करने की प्रतिक्रिया को सीपीआर कहते हैं। वो कब देना आपने? जब इसकी सांसें नहीं चल रही थी। पहले क्या था? जब चल रही थी। नहीं नहीं, पहले क्या था? रिकवरी पोजीशन। 20 बार छाती को प्रेस करना और 2 बार माउथ टू माउथ सांस देना। अभी 2 साल से कोविड ने परेशान कर रखा है। हाथ मिलाना, हाथ लगाना बहुत ही दूर की बात होगी। तो अभी आप माउथ टू माउथ सांस नहीं लेंगे, इसके अंदर केवल 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार इसकी छाती को प्रेस करना। छाती को प्रेस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? धन्यवाद। यहाँ जो बैठना है आपने, पहला जो हमारा घुटना रहेगा शोल्डर के बराबर आएगा, ठीक है? हार्ड सरफेस होना चाहिए, यानी कि चारपाई के ऊपर कभी भी सीपीआर नहीं देना आपने, क्योंकि जो प्रेशर आप डालेंगे वो चारपाई के अंदर रह जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा। प्रेशर डालने का मकसद हमारा क्या है? कि उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर जाए और ब्लड के क्लॉट खुल जाए और आदमी जिंदा हो जाए, ठीक है? ऐसे एक बार आप फेर लेंगे, आप फेरने का मैंने मकसद क्या है कि इसके अंदर कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं गीला आपको महसूस होगा, कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है, या कोई मोटे मनिया की माला तो नहीं है, गले के अंदर कोई चैन वगैरह तो नहीं है। आप उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो रिब्स जो होती है हमारी ये टूट जाएंगी, पसलियां जो होती है बड़ी कोमल होती है, ठीक है? तो यहाँ से जो पसलियां स्टार्ट होती है बीच में आके बी बनता है, जहां ये बी बनता है यहाँ, यहाँ पे बी बनता है, इस बी के यहाँ एक छोटी हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम की हड्डी बोलते हैं। देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको? किले का है तभी हूँ। क्या बोलते हैं बताओ? किसने मिलेंगे ये? मोटी। इसी को। सुना? सारे। हाँ। सारे। तो वो थोड़ी बहुत डिग जाती है, जब भी आदमी परेशान हो जाता है। यस सर। अगर आपने गलती से उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया तो टूट जाएगी, टूटते ही लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। तो उससे ठीक आपने 3 अंग ऐसे माप लेना, बीच सेंटर आ जाएगा। ये जो स्टर्नम बोन होती है यहाँ से यहाँ तक होती है 8 इंच की, ठीक है? ये बड़ी मजबूत होती है बीच में। आप इसके ऊपर जब डालेंगे हाथ का ऐसे ग्रिप बनाना है, हील पाम, ये हथेली का जो झील वाला हिस्सा है ये यहाँ रख लेंगे आप। कोनी हमारी मुंडी नीचे इसी पे, शोल्डर का वेट सीधा, 1.5 से 2 इंच का दबाव इसके ऊपर डालते रहेंगे, चेहरा हमारा इसके चेहरे की तरफ देखता रहेगा, हमारी तो नजर इसके चेहरे के ऊपर होनी चाहिए ताकि कोई मूवमेंट हो, मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा। बार बार आप प्रेशर डालते रहेंगे, 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार प्रेस डालते रहेंगे प्रेशर, उससे क्या होगा? नस खुल जाएगी, करेगा ये, क्योंकि इसका हार्ट काम कर रहा था, माउथ टू माउथ सांस देने की जरूरत नहीं। आप इसको ऊपर प्रेशर डालते रहे, आप 5 मिनट में 4 मिनट में जब भी थक जाते हैं तो दूसरे आदमी को बुला के बोल सकते हैं, भाई साहब आप इसके ऊपर ये काम करें जब तक मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ, या आप एम्बुलेंस को कॉल कर दो मैं इसको देख लेता हूँ। करते करते आपने इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेज देना। इस प्रकार हम एक हार्ट अटैक के हार्ट फैल के मरीज को बचा सकते हैं, या कोई भी अचानक दुर्घटना के अंदर या अचानक घूमने गया हुआ था रोड के ऊपर गिरा मिला तो आप उसको बचा सकते हैं। आज के टाइम में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। सर लोग क्या करते हैं, पानी पिला देते हैं, कुछ भी उसको खाने की चीजें देते हैं, खाने पीने के लिए मैंने पहले
पहले ही बता दिया आपको, जब तक व्यक्ति होश में नहीं आ जाता, बोलने चलने नहीं लग जाता, जब तक आपने उसको कुछ भी नहीं देना। और सर वो मुंह पे छींटा मारते वो भी नहीं करना। छींटा मारने का मेन मकसद क्या था कि होश में आ जाए। पानी से कभी आदमी होश में नहीं आता। जब आदमी को आप मुंह खोलेंगे, मुंह खोलते ही आपके पास रुमाल होगा, रुमाल के अंदर आपने अपनी उंगली को रिमूव करना है, उसके मुंह से वो चीज क्लियर कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कुछ खाने की चीज फंसी हो या जानदार फूट के फंस सकता है। कई बार क्या होता है कुछ भी नहीं टूटता, लेकिन आदमी बाइक से जा रहा था, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसका सिर लग गया डिवाइडर के, विद हेलमेट, हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन फिर भी हेड इंजरी हो जाती है। तो उसके कारण से भी आदमी बेहोशी में चला जाता है, क्योंकि जब हमारे ब्रेन के अंदर दो ब्रेन होते हैं हमारे शरीर में, एक सोचने का एक समझने का। क्या बोल रहे हो, बोल रहा था क्या कोई? जब सोचने समझने की शक्ति होती है तभी हम काम करते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो चलने की उम्मीद नहीं है। जब लकवा लगना हो जाता है ना आदमी को, तो जब भी इस साइड के हिस्से में लकवा लगता है तो इस साइड का ब्रेन काम करना बंद कर देता है, अपोजिट चलता है। इस साइड का जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, कई बार क्या हो जाता है, जैसे सिर के अंदर चोट लगने के बाद आदमी को हेड इंजरी होगी, आप देखते हैं तीन जगह से खून महसूस करते हैं, नाक से, कान से या मुंह से ब्लड आता है। जब अंदर से रस फटके तो ब्लड आएगा तो टाइम लगता है, लेकिन किसी भी कारण से आपने उसको देख लिया तो उसको तुरंत रिकवरी पोजिशन के अंदर डाल देना चाहिए। जिस साइड में ब्लड आ रहा है उसी साइड में लेटा दो, निकलने दो ब्लड को। अगर आपने सोचा कि ब्लड निकल रहा है उसको दूसरी साइड कर दो तो ब्लड वापिस जाएगा, वापिस जाएगा तो तीन मिनट के अंदर ब्लड के अंदर क्लॉट्स जमने शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाता ब्लड, कहीं से भी आए निकलने दो उसको। अगर वापिस जाके जम जाएगा तो फिर ब्रेन के अंदर काम करना बंद कर देगा आदमी का, उससे आदमी को हेड इंजरी हो जाती है। सर इस तरह से तो ब्लड की कमी हो जाएगी? कमी नहीं होगी, इतना नहीं निकलेगा कि आप सोच रहे हैं कि ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा, थोड़ेगा इतना थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन वापिस जाएगा तो वो आपकी नसों में चला जाएगा। ये आप मानते हैं? वो क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा, पार्ट जो हमारे जो पार्ट है काम कर रहे हैं उनके बराबर में चला जाएगा। अगर आपके मुंह से ब्लड आ रहा है और आपने उसको सीधा रिकवरी पोजिशन की बजाय सीधा लेटा दिया तो वो ब्लड आपके सांस में जाके सांस नली के अंदर रुकावट पैदा कर देगा, जम जाएगा, गांठ टूट जाएगी। फिर आप किस प्रकार से आप खोलेंगे, नहीं खोल पाएंगे। आया समझ में? यस सर। इसको है रिकवरी पोजिशन के अंदर डालना बहुत ही जरूरी है। जिसके कान या नाक से ब्लड आता है, अक्सर छोटे बच्चों को नकचिरी आ जाती है गर्मियों में, आ जाती है ना, क्या उपाय करते हैं उसके लिए? ठंडा पानी से धोते हैं सर, ठंडे पानी से सिर के ऊपर डालते हैं, मुंह को धोने के लिए बोलते हैं। लेकिन कई आदमी क्या करते हैं, उसके नाक को दबा के बोलते हैं कि नाक को दबा के बैठ जाए। हाँ, रुक जाएगी। वो ब्लड वहीं के वहीं जमना शुरू हो जाएगा, फिर सांस नहीं आएगा। उसके लिए उपाय क्या होता है, नाक की जो नीचे की हड्डी होती है इसको दबाओ। वो कोई नस के अंदर से फालतू का जो ब्लड होता है ना वो निकलता है, उससे कमजोरी नहीं आती कभी भी। गर्मी से बचना चाहिए फिर। करंट आ रहा है, रोज ले सर। बोलो सर, किसी को करंट लग जाए या मिर्गी का दौरा आ जाए जब क्या करना चाहिए? मिर्गी का दौरा आ जाए तो उसको हमने देखना होता है कि किस कारण से आता है, ठीक है? गर्मी से आता है, सर्दी से आता है, अचानक से आता है, किस कारण से आता है, या ब्रेन उसका काम कम करता है। कई बातों के हिसाब से मिर्गी आती है, ऐसे नहीं आती कभी भी। जैसे गर्मी से आती है तो उसको थोड़ा छाया में ले जाना चाहिए, अगर सर्दी के दिन है तो हमने उसको धूप में ले जाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको कि कारण को दूर कर सकते हैं, कई जगह हम कारण को दूर नहीं कर सकते। सर उस टाइम पे उसको मतलब क्या ट्रीटमेंट दिया उसको? ट्रीटमेंट क्या? का हमने उसको क्या करना है, उसके पैरों को ऊपर उठाओ और उसके पैरों के नीचे चेयर रख देंगे। चेयर रखने से क्या होगा कि पैरों की तरफ से ब्लड जो होता है वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, ब्रेन के अंदर ब्लड की मात्रा की कमी होने के कारण ही आदमी को मिर्गी आती है, ठीक है? उसके कपड़े थोड़े लूज कर देंगे, अगर टाइट कपड़े पहन रखे तो उसको थोड़ा लूज कर देंगे ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से चल पड़े। उसको भी सीपीआर देना है? नहीं, सीपीआर नहीं देना होता क्योंकि उसको हार्ट काम करना बंद नहीं किया है,
मिन की कोरिलेशन क्या होता है, उसकी दाढ़ी बंद हो जाती है तो मुंह को खोलो बस। होश में कई बार क्या होता है, किसी के मुंह से आपने देखा अचानक से झागने शुरू हो जाते हैं, मिल गया उसको जमीन पे गिर गया, तुरंत क्या कहेंगे, अरे पानी लाओ पानी लाओ, उसको पानी पिलाएंगे या पानी डालेंगे उसके मुंह, पानी नहीं पिलाना है, पानी कभी भी नहीं पिलाना है। वो था टैग का था ना मिर्गी का, थोड़ी कोई भी कहे। और सर किसी को करंट लग जाए, जब करंट लग जाता है तो आपने उसको जमीन पे लेटा के उसके हाथ पैरों की मालिश करनी होती है। बिजली का आपने सुना होगा कि किसी को करंट लगे बूढ़े आदमी क्या कहते हैं, कि बिजली ने इसका खून चूस लिया, चूस लिया। कभी देखा तारा में जाते हुए खून को? नो सर, पानी कर देते हो खून, हंसने की बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी देखा आपने तारों में से खून को जाते हुए? दूसरे का मतलब तो यही है भाई, लो मैं सिरिंज भरता हूं तो सिरिंज के अंदर आपको ब्लड दिखेगा, वो ब्लड को सुखा देती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको रोक देती है, जैसे जलना, नसों के अंदर ब्लड को जमा देती है वो। तो इसीलिए हम उसके हाथ पैरों की मालिश करते हैं ताकि वो ब्लड का सर्कुलेशन गर्मी मिलकर उसको जल्दी से चल पड़े। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन बोलो। क्या चीज है? जो हमारा ये मैसेज है ना, हर जगह आपने दे दिया है, होटल है, जिम है, स्विमिंग पूल है, या स्कूल कॉलेज आईटीआई फैक्ट्री, सभी एरिया में सभी को हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी है। उसका मेन मकसद यही है कि हर एक जगह एक दो फर्स्ट एडर होना जरूरी है। उस टाइम किसी भी अचानक दुर्घटना के कारण, दुर्घटना का मतलब क्या है, सांप लड़ जा, गाड़ी आमने सामने बैठती वही दुर्घटना है। तो सांप बांध दे कपड़ा से, बिजली से, पानी से, पानी से, छत से, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो जाए उसको गोली पूछ रहे कौन सी है। तो वेट लिफ्टिंग से आपको गोली लग रहा है तो आपने अपने सिर और मुंह को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, और दो मिनट बैठ के अपने नाक के जो नीचे की हड्डी होती है उसको थोड़ा दबा लेना चाहिए। वो क्या होता है, ब्लड जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से हो जाता है। आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे वेट लिफ्टर है, आपने एक दो हेल्पर उसके साथ खड़ा दिखाई देता है जब भी वो वेट उठाता है, क्योंकि नहीं पता होता किस नस के अंदर कब क्या दिक्कत आ जाए। हमारे शरीर के अंदर 162,000 नसें हैं जिनमें ब्लड दौड़ता है, बहुत बारीक बारीक भी होती है, बाल के समान भी नसें होती है, उनमें भी ब्लड चलता है। सर काउंट कैसे किया है सर, नस को होती है सर आपस में? आपका क्वेश्चन है नसों को कैसे अकाउंट किया? आपके शरीर के अंदर कितनी हड्डी है? 204। रुक जाओ एक मिनट, कितनी हड्डी है, कैसे गिनी थी बता दे, कैसे गिनी थी? कोई मुर्दा आदमी हो सर, उसके शरीर से मांस निकाल के सर गिन सकते हैं? अच्छा, मुर्दे आदमी का मांस निकाल के हड्डी गिनेगा सर? जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको नहीं सुन रहे, ब्लड शरीर अकाउंट कैसे की 162,000 से होती है। आपके शरीर में ब्लड ग्राम में होता है या लीटर में होता है? ग्राम में। जब दुर्घटना होती तो वहां एक बाल्टी कैसे गिर जाता है? कोई भी अचानक से दुर्घटना हो जाती है, किसी का हाथ या पैर कट जाता है या कोई रोड पे डेड हो जाता है, वहां आप देखते हैं रोड के परली साइड से परली साइड ब्लड चला जाता है, यानी कि पूरे रोड को कवर कर जाता है। हाँ, जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन ब्लड होता है वो लीटर में होता है, हीमोग्लोबिन होता है वो ग्राम में होता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड की, मैंने पूछा क्या है ब्लड कितने लीटर होता है? 5-6 लीटर। 5-6 कैसे अनुमान लगाया आपने? सर
सर वेट का 7% होता है। वेट का 7% 7% का वेट का 12% आएगा। आपकी बॉडी का टोटल वेट, वेट का 12 हिस्सा आपके शरीर में ब्लड की मात्रा होती है। 7 से अकाउंट कर लेना कुछ नहीं और 12 से कर लेना, एक्यूरेट देख लेना किसमें आएगा। क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अगर एक आदमी के शरीर का वेट 80 किलोग्राम है तो 12 से भाग करो इसको, 12 से 84 यानी कि 5 से 7 लीटर मैक्सिमम ब्लड होता है। लेकिन स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो उसको हम स्वस्थ नहीं मानेंगे। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4 चार या पांच हमारे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप चार ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, नंबर एक ए, ए नंबर दूसरा बी, बी नंबर तीसरा है ओ, ए बी, ए बी और ओ, ए बी और ओ, ए बी और ओ, और ओ ओ। प्रत्येक ब्लड ग्रुप के दो दो फैक्टर होते हैं, आरएच फैक्टर जिसके अंदर पाया जाता है वो पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता वो नेगेटिव। फैक्टर क्यों नहीं होता? ओ पॉजिटिव और नेगेटिव तो दूर है। बाबा ये तो बोलते हैं ओ नेगेटिव से किसी भी क्वेश्चन में चढ़ा ले, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ वो पॉजिटिव। क्वेश्चन करो एक एक, अरे एक का जवाब दूंगा। वो भी मेरी बात सुनो, वो जो पीछे बोल रहा था वो का फैक्टर नहीं होता, खड़े होने भाई। खड़े हो जाए एक बार, बढ़ाओ बढ़ाओ। क्या हो गया? ओ का फैक्टर क्यों नहीं होता? ओ पॉजिटिव नहीं होता या ओ नेगेटिव नहीं होता? दोनों है। कुछ है बढ़िया क्वेश्चन सर। प्रत्येक ब्लड ग्रुप के दो दो फैक्टर होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं जो काम किया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए बी, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम ना भाई ये जरूरी है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है? ओ नेगेटिव। पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल ऐसा है, उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। 100 में से एक आदमी का मिलता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वो लाइफ में किसी की जान भी बचा सकता है, लेकिन डॉक्टर तकरीबन कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति को ब्लड क्रॉस मैच करके ही चढ़ाया जाए। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी का ब्लड ले सकता है? ए बी। ए बी। अब ये मत पूछना कि ए बी को जी किसी का भी चढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी बनाई जाती है कि वो सभी का ब्लड ले सकता है, और वो नेगेटिव को अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो नेगेटिव का ही ब्लड चढ़ेगा, अन्यथा किसी का ब्लड काम नहीं आएगा। यस सर। रुके हुए काटे ब्लड के कारण एलर्जी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, लकवा, अधरंग, ये सभी बीमारियां हो जाती है। चेहरे के ऊपर दाने होना, कमर में दाने होना, एलर्जी हो जाना, ये सभी रुके हुए गाढ़े ब्लड के कारण ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एज 18 साल होगी, 18 होने के बाद ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए ताकि रुका हुआ काटा ब्लड निकल जाए और नया ब्लड बन जाए। 24 घंटे में ब्लड की मात्रा पूरी हो जाती है और 3 महीने में आप दोबारा दे सकते हैं, मेल जो है 3 महीने में, फीमेल जो है 4 महीने। ब्लड डोनेट करने की उम्र है 18 से 65 वर्ष, वेट है 50 किलोग्राम से ऊपर। नहीं एच नहीं होता सर, मैंने बताया आपको चार ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी और ओ। साफलेट जवाब बुझिए तो क्या करना चाहिए सर? जब साफलेट जाए किसी को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? सांप भाई पीछे, ये पीछे बातें कर रहे हैं, बोर हो गए क्या? अगर आप बोर हो गए हो तो मैं छुट्टी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने काम भी कर रखा है, लंच का भी टाइम हो रहा है, मैडम ने पहले ही बोला था क्योंकि भूख लगी होगी आपको। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर